अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज चिकन की रेसिपी बताते हैं, मसाला चिकन। सबसे पहले अनियन को हम चॉप कर लें चॉपर में, कुकर में हम उसको डाल देंगे और उसी के साथ साथ 2 चम्मच ऑयल भी डाल देंगे और डालकर उसको भूनेंगे। और उसमें कुछ खड़ा मसाला जाएगा, 1 इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च, थोड़ा ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता और 2 सूखी मिर्ची लाल और नमक स्वाद के अनुसार। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है क्योंकि उसमें फिर चिकन में भी भुनाएगा, इसे लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक और शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए और एक बार ज़रूर ट्राई करिए, रेसिपी बहुत अच्छी बनती है और ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। देखिए प्याज अब ऑलमोस्ट भुनी चुकी है, अब इसमें हम चिकन को ऐड करेंगे। मेरा 300 ग्राम चिकन है, उसका हम बना रहे हैं। 2 अनियन को चॉप किए थे, अब चिकन को इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे 1 से 2 मिनट तक। अगर उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और उसको 2 मिनट तक भुनेंगे कि जो लहसुन अदरक का जो कच्चापन होता है, जो उसकी स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें जाएगा मिक्स मसाला 2 चम्मच और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा पानी और 1 टमाटर काट कर रखे हुए हैं वो हम डाल देंगे और खूब अच्छी तरह इसको भुनेंगे। ऐसे ही खुला भुनेंगे इसको और थोड़ी थोड़ी देर पे उसको हम चलाते रहेंगे। देखिए मसाला भुन ही रहा है। आप लोग बस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ कर दिया करिए, एक सब्सक्राइब तो करना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखने ही में कितना अच्छा लग रहा है। आप ऐसे ही भुना हुआ भी आप पराठे से, रोटी से, आप नान से, बटर नान उससे आप सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। ग्रेवी लगाना तो ग्रेवी भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम इसकी लीड लगा देंगे, 1 सीटी बस लगाएंगे। जैसे 1 सीटी आ जाए बंद हो जाए। देखिए हमारा चिकन तैयार हो गया है। बाय बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।